से बढ़कर ये ज्ञान, हर पल हर दिन नया नया ये स्वाद का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। लोग नए 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 नजारे, नई सुबह की नई बहारे, बदल बदल कर ले लो जायका, नई रेसिपी नया तरीका, बन जाएगी नई कहानी दिलकश हम सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जायके का सफर। आज हम आप पहुंचे हैं कोल्लम, जिसे लोग क्विलॉन के नाम से भी जानते हैं। कोल्लम वाज अ मेजर पोर्ट अलोंग द मालाबार कोस्ट लॉन्ग बिफोर कोचिन एवर रीच्ड इट्स प्राइमेसी। द फिनिशियंस, द ग्रीक्स, द रोमन्स सेंट देयर वेसल्स हियर। इन फैक्ट 8वीं शताब्दी में चीनी व्यापारी यहाँ पे बस गए थे। उसके बाद 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो आए थे और 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता तो यहाँ पे 7 महीने के लिए थे। उसके बाद द टाउन्स हिस्ट्री हैज बीन इंटरवोवन विद डच, पोर्चुगीज एंड इंग्लिश राइवलरी फॉर द कंट्रोल ऑफ द इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स एंड द कमोडिटीज दैट आर ग्रोन इन दिस पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अष्टमुदी लेक के तट पर स्थित है कोल्लम। एक जमाने में ये मालाबार कोस्ट का एक मेन पोर्ट था। आज ये एक टिपिकल स्मॉल मार्केट टाउन है, येट ट्रेसेस ऑफ इट्स पास्ट ग्लोरी रिमेन। चाइना के साथ एक प्रॉस्परस ट्रेड लिंक की निशानी दिखती है यहाँ के चाइनीज फिशिंग नेट्स में, जिनका इस्तेमाल जहाँ तक हमको पता है भारत में केरल को छोड़कर कहीं और नहीं किया जाता। द हैट्स वोर्न बाय द फिशरमैन हियर आर येट अनदर इंडिकेटर ऑफ द चाइनीज इन्फ्लुएंस। Those glorious days are not there anymore. लेकिन कोल्लम आसपास के गांव कस्बों के लिए एक important व्यवसायिक केंद्र है, and it's also a terminus for all the considerable traffic of the backwaters. शहर से 5 किलोमीटर दूर है थंगेसरी, जहां कोल्लम की अतीत की कुछ और झलकियां नजर आएंगी। किले के अवशेष से ये जाहिर है कि कोल्लम केरल के ऐतिहासिक परंपरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Today, all that exists of that glorious past is just a memory and some broken down remains of a fort. अगर आप कोल्लम में हैं, तो वर्कला अवश्य जाएं। तकरीबन 20 किलोमीटर दूर ये एक अत्यंत सुंदर बीच है, जो अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाया है। The beach lies beneath towering red laterite cliffs that jut dramatically into the sea. इस बीच की सबसे अद्भुत बात ये है कि बरसात के दौरान इसका नामो निशान मिट जाता है और फिर 3-4 महीने बाद नवंबर के महीने में ये फिर उभर कर आता है। लगता है जैसे टूरिस्ट की सहूलियत के लिए। कोवलम के मुकाबले वर्कला अभी तक कमर्शियलाइज नहीं है और शायद यही वजह है कि ये लोगों में काफी पॉपुलर है, खासकर यूरोप के बैकपैकर्स में, जिन्हें एक लेड बैक रिलैक्स्ड बीच हॉलीडे की चाह रहती है। यहाँ पर बहुत कुछ तो नहीं किया जा सकता सिवाय सनबेडिंग एंड स्प्लैशिंग इन द सी, बट देन
people often find ways of amusing themselves, don't they? लगता कि घूमना फिरना काफी हो गया है और अब आपको और हमें दोनों को भूख लगी है, तो चलिए देखते हैं कि कोल्लम में खाने पीने के क्या ऑप्शन है। आइए, कोल्लम इज द नर्व सेंटर ऑफ केरला'स कैशू ग्रोइंग इंडस्ट्री और काजू आपको होटलों, दुकानों और सड़क के किनारों के बाजारों में मिलेगा। Though we are all familiar with the nut, our acquaintance is limited to a casual flick of the wrist, which places it into our mouths. पर हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे टेबल तक पहुंचने वाले नट ने किन किन मुकामों को तय किया है। चलिए थोड़ी जानकारी हासिल करें। काजू की यात्रा आरंभ होती है खेतों से बाहर निकलने के बाद। इसकी मंजिल का अगला पड़ाव है प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जहां इन नट्स को धूप में सुखाया जाता है। अगला स्टेप है ऑयल बाथ रोस्टिंग, जहां पर रॉ नट्स आर सोक्ड इन वाटर एंड देन पास थ्रू हॉट ऑयल। इसके बाद ड्रम रोस्टिंग किया जाता है, जिसमें नट्स को एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर रोस्ट किया जाता है। आफ्टर रोस्टिंग हैज बीन कंप्लीटेड, द नट्स आर रेडी फॉर शेलिंग। ये एक क्रूशल स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर नट्स को हथौड़े से शेल किया जाता है और ध्यान रखा जाता है कि नट्स टूट न जाएं। शेलिंग के बाद नट्स को एक हीटिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। इससे नट्स के स्किन मुलायम हो जाते हैं और पीलिंग में आसानी होती है। नेक्स्ट, द कैशू नट अराइव्स एट द पीलिंग स्टेज, वेयर द स्किन इज रिमूव्ड एंड द नट इमर्जेस इन अ शेप व्हिच इज फैमिलियर टू ऑल ऑफ अस। यहाँ से नट जाता है ग्रेडिंग सेक्शन में, जहाँ उसे क्वालिटी के आधार पर ग्रेड किया जाता है। ग्रेडिंग के बाद नट्स को पैक किया जाता है इन टिन्स में, व्हिच आर रेडी टू बी शिप्ड आउट टू द फॉरेन एंड डोमेस्टिक मार्केट्स। The Sri Suprabhatam restaurant, hidden away in the courtyard directly opposite the clock tower, is a typical Kerala meals restaurant. Ek traditional meal mein aap kha sakte hain rice, sambar, rasam, dal, papad, thoran, pachadi, kotu, pickles, pulisari, curd and payasam. If you are a budget traveler aur kuch authentic Kerala cuisine sample karna chahte hain, then definitely check out this restaurant. Prashanti is a more upmarket version of Sri Suprabhatam. Yahan par ek pleasant ambiance aur khulapan create karne ki koshish ki gayi hai. Though the fare is similar here, food is qualitatively better here. Local residents mein to ye eating joint kafi popular hai. We recommend that you try some of the fruit juices here, especially the pineapple and the watermelon. Sudarshan Hotel's Kedar restaurant is a popular place for breakfast before a backwater cruise. अगर आप लोकल डिशेस चक चक कर फेड अप हो गए हैं और कुछ कॉन्टिनेंटल फ्लेवर्स की चाह है, तो चिंता मत करें, यहाँ अवेलेबल है इंडियन ब्रेकफास्ट के साथ साथ कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट भी। रेस्टोरेंट तरह तरह के कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और इंडियन लंच और डिनर भी सर्व करता है। केरला स्मॉल टाउन, यहाँ चाहने पर भी आप ज्यादा खर्च कर ही नहीं सकते खाने पीने पर, लेकिन द फूड इज नाइस, टेस्टी एंड होलसम। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाना भी मिलता है, लेकिन व्हाट इज रेकमेंडेड इज द लोकल कुजीन। इनफैक्ट इसी के बारे में और जानकारी हमारे रेसिपी सेक्शन में, बट दैट्स आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। आप अपने नोटपैड्स और पेंसिल्स लेके तैयार हैं ना, क्योंकि रेसिपी सेक्शन में आज हम आपको कुंजू पापस बनाना सिखाएंगे, जिसका मतलब है श्रिम्स कुक्ड इन कोकोनट मिल्क। रेसिपी सेक्शन में आज हमारे साथ हैं होटल सूर्या बेस्ट वेस्टर्न के एग्जीक्यूटिव शेफ सुशील चुग। वेलकम टू जायके का सफर। थैंक यू। पहले आप बताएं कि इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए प्रॉन्स, जो कि मीडियम साइज के होने चाहिए, स्लाइस्ड ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिलीज, चॉप्ड टोमेटोज, करी लीव्स, वाइट पेपर पाउडर, सॉल्ट, हल्दी, कोकोनट मिल्क फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क सेकंड एक्सट्रैक्ट और कोकोनट ऑयल। अच्छा, और इसको बनाते कैसे हैं? बनाने के लिए सबसे पहले प्रॉन्स को शेल कर लेंगे। ओके। और शेल करने के बाद में उसको ऐसे काट लेना है, काट के उसमें जो वेन है वो निकाल देना है। ऑलराइट। आपने कितने प्रॉन्स यूज किए इसमें? हम इसमें 4, 2, 6 और 2, 8 प्रॉन्स यूज कर रहे हैं। ओके। और किस साइज के प्रॉन्स यूज कर रहे हैं? मीडियम साइज, जिसको आप कहते हैं, इस साइज का होना चाहिए प्रॉन। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए वाइट पेपर पाउडर, थोड़ा सा हल्का सा उसको लगाएंगे और इसके ऊपर सॉल्ट डालेंगे और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा। पर आपने ये वाइट पेपर पाउडर क्यों यूज किया, व्हाई नॉट ब्लैक पेपर पाउडर? उससे ये जो फाइनल प्रिपरेशन है ना हमारा, वो बिल्कुल वाइट नजर आना चाहिए या हल्का पेल कलर का नजर आना चाहिए। इसीलिए अगर हमने ब्लैक पेपर यूज करते तो उसमें वो काले काले स्पॉट्स नजर आते। ऑलराइट। इसलिए इस प्रिपरेशन में वाइट पेपर यूज किया जाता है। ठीक है। और आपने कितनी देर तक इसको मैरिनेट करेंगे? ये जो प्रॉन्स हैं, क्योंकि मीडियम साइज के हैं, तो इसको ज्यादा देर जरूरत नहीं पड़ेगी, 10-15 मिनट काफी है इसको मैरिनेट करने के लिए, रूम टेम्परेचर पर। हाँ जी। और इसको ऐसे मिक्स कर देंगे कि अच्छी तरह से वो जो है हमारा मैरिनेट जो है या सीजनिंग जो हमने यूज करी है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाए। ओके। क्या हम श्रिम्प, अब ऑब्वियसली इसको कुंजू पापस कहते हैं तो कुंजू ही इस्तेमाल करेंगे, मगर क्या इसका जो प्रिपरेशन है किसी और भी सी फूड के साथ चल सकता है? ये पापस प्रिपरेशन जो है, एक कारीमीन फिश होती है, वो भी इसी तरीके से बनाई जाती है। और या फिर कारीमीन ना यूज करें तो वाइट, जो वाइट पॉम्फ्रेट जो है वो इस प्रिपरेशन के लिए भी बड़ी अप्रोप्रिएट रहती है। ओके, तो आगे क्या कर सकते हैं? आप कोकोनट ऑयल। हाँ जी। कोकोनट ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो उसमें हम ये प्रॉन्स डाल देंगे। ठीक है। इसको आप शैलो फ्राई करेंगे। हाँ जी। बाहर वाला सरफेस है वो जरा कुक हो जाए, पर अंदर से अभी भी अनकुक्ड रहना चाहिए और जूसी रहना चाहिए। ठीक है। इसको सौते करने में, कोकोनट ऑयल के अंदर सौते करने में तकरीबन आधा एक मिनट लगेगा। बस इतना ही करेंगे? हाँ जी। और सॉस बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें फिर कोकोनट ऑयल डालेंगे। पर आप जो कोकोनट ऑयल आपने यूज किया है फ्राई करने के लिए, वो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? कोकोनट ऑयल हमने बड़ा ही कम क्वांटिटी में यूज किया, क्योंकि प्रॉन्स को सौते करने में ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती है। और जबकि अगर आप फिश लेंगे तो फिश को टॉस भी करना है, अपने साइड चेंज करना है, तो उसमें जरा ज्यादा क्वांटिटी। और अगर पैन में थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ है वो ऑयल इसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे ये कोकोनट ऑयल गर्म हो गया है, हम इसमें स्लाइस ऑनियंस को डाल देंगे। ठीक है। और अब इसमें गार्लिक को डाल रहे हैं, ये 1 टीस्पून गार्लिक, जिंजर 1 टीस्पून, ग्रीन चिलीज 3/4 टीस्पून। वो कम ज्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैसा चाहिए। हाँ जी।
और इसमें एक पोर्शन जो प्रॉन्स हम बनाने जा रहे हैं 8 पीसेस के करीब, उसमें 4-5 करी लीव्स काफ़ी हैं। ठीक। अब हम इसमें चॉप टमाटर्स को डाल देंगे और जैसे टमाटर्स थोड़े से सौते हो जाएंगे उसमें हम सेकंड कोकोनट का जो एक्सट्रैक्ट है वो डाल देंगे। इसमें आप सॉल्ट डालेंगे? इसको हम सॉल्ट से सीजन कर देंगे, सॉल्ट टू टेस्ट। और इस मिक्सचर को अभी जो है पकने देंगे, इस ग्रेवी को पकने देंगे। और जैसे ये ऑनियंस और टमाटर्स कुक हो जाएंगे इसमें हम प्रॉन्स को डालेंगे। ठीक है। और 2-3 मिनट में ही आप देखेंगे कि प्रॉन्स तैयार हो जाएंगे। ऑलराइट, पर ये कितनी देर लगेगी इसको कुक होने में? इसको हम तो तकरीबन 4-5 मिनट में जो है वो ऑनियंस और टमाटर्स कुक हो जाने चाहिए। ठीक। ये ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो अब हम इसमें प्रॉन्स को डाल देंगे। ओके। और इसको अब इसी ग्रेवी में कुक करने के लिए। इसको ज्यादा देर कुक नहीं करना है, नहीं तो वो प्रॉन्स है वो टफ होने का डर रहता है। इसको 2-3 मिनट को क्या जनरली बहुत कम कुक करने की जरूरत होती है? डिपेंड करता है साइज पर कि अगर बहुत ही छोटे श्रिम्प्स हैं जैसे तो उसको 1-2 मिनट में ही कुक हो जाएंगे। अगर इस साइज के प्रॉन है तो टोटल कुकिंग जो प्रोसेस है वो 5-6 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए इसका। ओके। और जब ये प्रॉन्स जैसे ही और कुक हो गए तो अब इसमें हम फर्स्ट एक्सट्रैक्ट कोकोनट का डालेंगे। ओके। आपने कितना कोकोनट का एक्सट्रैक्ट किया है बोथ फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड वन? एक ही कोकोनट यूज किया है, उसका पहले फर्स्ट एक्सट्रैक्ट निकाला है फिर सेकंड निकाला है। Smells really nice. It tastes also very nice. We must taste it and see. Ah, really, really delicious. Thank you. So, ye hamara kunju papas tayyar hai, and we can serve it with steamed rice. White bread it is usually. Okay, so aap steamed rice ya fir white bread ke saath bhi se serve kar sakte hain. Thank you, chef, for being with us. You're welcome. Now, a quick recap. कुंजू पापस बनाने के लिए आपको चाहिए प्रॉन्स, अनियंस, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिलीज, टोमेटोज, करी लीव्स, व्हाइट पेपर पाउडर, सॉल्ट, हल्दी, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ कोकोनट, सेकंड एक्सट्रैक्ट ऑफ कोकोनट एंड कोकोनट ऑयल। सबसे पहले शेल द प्रॉन्स एंड मैरिनेटेड फॉर 5 मिनट्स विद हल्दी, सॉल्ट एंड व्हाइट पेपर पाउडर। देन शैलो फ्राई द प्रॉन्स इन कोकोनट ऑयल। ग्रेवी बनाने के लिए सेपरेटली सौते द अनियंस। इसमें फिर जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिलीज और करी लीव्स डालें। इसको थोड़ी देर के लिए कुक करें और उसके बाद ऐड टोमेटोज एंड द सेकंड एक्सट्रैक्ट ऑफ कोकोनट। ऐड सॉल्ट टू टेस्ट एंड कुक फॉर 4-5 मिनट्स। जब ये ग्रेवी थिक हो जाता है तो इसमें प्रॉन्स ऐड करें, फिर इसे 2-3 मिनट तक कुक करें। आफ्टर दिस ऐड फर्स्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ कोकोनट। फाइनली आफ्टर हीटिंग फॉर सम टाइम सर्व इट विद स्टीम्ड राइस और वाइट ब्रेड। वेलकम बैक। A ride along the backwaters of Kerala is a highlight of any visit here. और आज हम आपको यही करवाने जा रहे हैं एक केट्टुवलम में। केट्टुवलम is a rice barge which has been converted into a houseboat and it's self-sufficient with everything in it, a bathroom, a kitchen, a bedroom. तो आइए backwaters की सैर करते हैं। Fringing the coast of Kerala and winding far inland is a complex network of lagoons, lakes, rivers and canals. इस network को backwaters कहा जाता है और ये एक खास lifestyle और fascinating thoroughfare का basis है। इसलिए Kerala का सही ढंग से मजा लिया जा सकता है एक नाव द्वारा।
and there is nothing to beat a Kettuvalam experience as far as the backwaters are concerned. वैसे तो केटुवलम को इन बैकवाटर्स में सदियों से इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हाल ही में एक हाउसबोट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है। केटुवलम्स में फुली फर्निश्ड लिविंग रूम्स, बेडरूम्स, किचन, मॉडर्न टॉयलेट्स और ठंडी हवा खाने के लिए बालकनीज भी मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि कम से कम पैसे में आपको एक कुक भी मिल सकता है और आप केरला डेलिकेसीज चख सकते हैं इस बैकवाटर्स की सैर करते करते। दिस सेव्स यू द बॉदर फॉर स्टॉपिंग फॉर लंच और फॉर स्नैक्स इफ यू डोंट वांट टू ब्रेक योर जर्नी। ये फिश फ्राई, जैसे कि आपका अनुमान ही है, हमारे लंच के लिए पक रहा है। इस मैकरेल को बनाना एक्सट्रीमली सिंपल है और स्वाद में A1। वेल टू बिगिन विद, हल्दी, पेपर और नमक का पेस्ट बनाकर इस फिश पर लगा लीजिए। फिर इसे कुछ देर के लिए मैरिनेट कीजिए और उसके बाद कोकोनट ऑयल में डीप फ्राई कीजिए। ऑल दीज थिंग्स टेकन इनटू अकाउंट, द बेस्ट वे टू सी केरला इज फ्रॉम अ केटुवलम, ग्लाइडिंग अलोंग द काम एंड सेरीन बैक वाटर्स, फ्लैंक्ड बाय ग्रीन लीव्स एंड पाम ट्रीज। Seeing a rural Kerala preserved through the ages and completely hidden from the road. Believe me, this is a mind-blowing experience for any visitor to Kerala. It's an absolutely magnificent cruise. If you love water, you love every moment of it. If you don't love water, believe me, you'll fall in love. अनफॉर्चुनेटली आज हमारे एपिसोड का वक्त यहीं ख़त्म हो रहा है। आप नहीं जाना चाहते, मैं भी नहीं, लेकिन क्या करें, इसीलिए अगले हफ्ते इसी टाइम पर इसी चैनल पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।